नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं राज्यसभा और लोकसभा में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। आपको बताएंगे दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज आज शामिल हैं, लिस्टेड हैं। साथ ही बात करेंगे कि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति संसद के अंदर रह सकती है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता और मोहम्मद फातेह टीपू। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मुंबई उत्तर पूर्व से बीजेपी के लोकसभा सांसद मनोज कोटक जी मौजूद हैं। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आपका। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल से CPM के राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं संसद में आज में। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कुमार राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत संसद में आज में। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है और हम आपसे तमाम जो एजेंडा आज का है और जो सत्र है शीतकालीन सत्र, उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं संसद में आज की सुर्खियां। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 में और संशोधन करने से संबंधित 4 विधेयक लोकसभा में होंगे पेश। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव के प्रस्ताव। समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2019 पर चर्चा रहेगी जारी। देश में खेलकूद को बढ़ावा देने के मुद्दे पर नियम 193 के तहत लोकसभा में होगी आगे की चर्चा। 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के पहले बैच को दर्शाने वाला विवरण वित्त मंत्री करेंगी पेश। 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण भी होगा पेश। और दोनों सदनों के एजेंडे में 150 से ज्यादा गैर सरकारी विधेयक, राष्ट्रीय दल का दर्जा देने के लिए शर्तों में बदलाव से संबंधित प्राइवेट मेंबर विधेयक पर लोकसभा में चर्चा रहेगी जारी। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पर राज्यसभा में होगी आगे की चर्चा। हम राज्यसभा और लोकसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे, अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। उससे पहले एक नजर दोनों सदनों में कल क्या कुछ खास रहा, उस पर रीकैप के जरिए एक नजर डाल लेते हैं। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर हुई विस्तृत चर्चा का राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जवाब दिया, जिसके बाद विधेयक को उच्च सदन की मंजूरी मिल गई। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत हुई। वहीं खेलों के संवर्धन की आवश्यकता और सरकार की ओर से संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में नियम 193 के तहत लोकसभा में चर्चा जारी रही। इसके अलावा दोनों सदनों में प्रश्नकाल हुआ और अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए गए। आज के एजेंडे पर नजर डालें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल हैं। शुक्रवार का दिन है आज और शुक्रवार होने की वजह से दोनों सदनों के एजेंडे में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज शामिल हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज लोकसभा में क्या रहेगा खास। भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता और सरकार की ओर से संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में नियम 193 के तहत चर्चा जारी रहेगी। सदन में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश पांचवा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जाएगा। वहीं समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा होनी है। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन बिल 2022 भी विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के पहले बैच को दर्शाने वाला विवरण और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण सदन में पेश करेंगी। इसके अलावा केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के लिए 2 महिला सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव भी किया जाएगा। कार्यसूची में 115 से ज्यादा गैर सरकारी विधेयक शामिल हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 12 दिसंबर 2022 से शुरू हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में बयान देंगे। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही सदस्य नियम 377 के अधीन मामले भी उठाएंगे।
लोकसभा में कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। इनमें लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन शामिल है। फिलहाल रुक करेंगे अमरेंद्र गुप्ता मेरे सहयोगी संसद भवन परिसर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट लेंगे और साथ ही मेहमानों से इस पर चर्चा भी करेंगे। मनोज जी, पहले मैं आपसे चर्चा करती हूँ, अमरेंद्र के पास हम थोड़ी देर में रुक करेंगे। पहले मैं आपसे कमेंट चाहूंगी कि आज क्योंकि शुक्रवार का दिन है और ये जो हफ्ता है तीसरा दिन है और ये हफ्ता पूरा हो रहा है, शीतकालीन सत्र को लेकर पिछले दो दिन में काफी अच्छे संकेत मिले, आगे किस तरह की आशाएं उम्मीदें संभावनाएं? वैसे आपको मैं बताऊं कि इस बार पहले दिन ही प्रधानमंत्री जी ने पहल की थी और प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों से आग्रह किया था कि संसद का सत्र प्रोडक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि सारे सांसद जब संसद के सत्र में आते हैं और अपने विभाग के प्रश्नों को रखने का, अपने अलग अलग आयाम का उपयोग करके अपनी बातों को रखने का, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का प्रयत्न करते हैं, और संसद में अगर ऐसी परिस्थिति होती है कि कामकाज चल नहीं पाता तो निश्चित सभी सांसदों को निराशा होती है। और विशेषकर प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने उल्लेख किया कि युवा सांसदों को अपनी बात रखने का मौका देने के लिए ये सदन है। सदन अपनी बात रखने के लिए, अपनी समस्याओं को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का मंच बने और इन समस्याओं के ऊपर समाधान ढूंढने के लिए और विस्तृत चर्चा का साधन बने। और निश्चित काफ़ी खुशी की बात है कि पिछले दो दिनों से काफ़ी अच्छा कामकाज चला और आज भी उसी तरीके के आसार है कि संसद का कामकाज अच्छा चलेगा। बिल्कुल विकास रंजन जी, आपसे भी इस पर प्रतिक्रिया, जाहिर तौर पर बहुत खुशी होती है। हम जानते हैं कि चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों ने ही प्रोडक्टिविटी को लेकर भी बहुत अच्छे संदेश संकेत दिए हैं जनता के बीच, आम लोगों के बीच। हालांकि तब दुख होता है जब अवरोध की वजह से संसद की कार्रवाई नहीं चल पाती। अब ये दो दिन जिस तरह से कामकाज हुआ है, आगे शीतकालीन सत्र को लेकर आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये खुशी की बात है कि पहले दो दिन जो काज काम हुआ है वो आपस में हुआ है, समझकर कोई हादसा नहीं हुई है। संसद ऐसे चलना चाहिए कि चर्चा होना चाहिए, जो भी विधि ला रहा है उसका ऊपर अलग चर्चा होना चाहिए। चर्चा होने के बाद जो सहमत होगा, कोई पारित होगी, वो देश के लिए भला होगा। हम लोग वो चाहते हैं कि इसी चर्चा, इसी ढंग से चर्चा चले, सरकारी और विरोधी दोनों पक्ष एक साथ मिलकर तय करें कि संसद ठीक से चले, ऐसे चले तो अच्छा होगा। बिल्कुल विकास रंजन जी, कुमाराकेश आपका भी एक कमेंट, क्योंकि मॉनसून सत्र में हम जानते हैं कि 50% तक भी कामकाज नहीं पहुंचाया, 40-48 इसके आसपास ही दोनों सदनों में कामकाज रहा। और हम जानते हैं शीतकालीन सत्र विधायी कामकाज को लेकर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ऐसे में क्या लग रहा है दो दिन के क्या संकेत? देखिए, काफ़ी अच्छे शुभ संकेत हैं और ये तो काफ़ी पॉजिटिवली सरप्राइजिंग ये डेवलपमेंट है कि जो जब से सत्र शुरू हुआ है, शुरू से ही पहले दिन से ही कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी कोई सत्र की शुरुआत होती है, शुरुआत के तो कुछ दिनों को ये माना जाता है कि अपोजिशन का जो भी एक जो एजेंडा है, जो डिसरप्शन है, गवर्नमेंट भी उनके पॉइंट को कंसीड कर लेती है और शुरू के 3-4 दिनों तो कुछ होता नहीं है आमतौर पर। तो इस पर काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इनफैक्ट शुरू के दो दिनों में बिल भी पास हो गए हैं और बिल इंट्रोड्यूस भी हुए हैं। वो हमने देखा कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल वो पास हो गया, एक नॉन फॉसिल फ्यूल बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में। तो काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम उम्मीद करें कि जो 17 दिनों की जो सिटिंग है तो उसमें ऐसे ही काम का चलता रहेगा। बिल्कुल, अमरेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लोकसभा से। फिलहाल लोकसभा से जुड़ा अपडेट आपसे ले, संसद भवन परिसर में आप मौजूद हैं अमरेंद्र, क्या अपडेट है? क्योंकि कल हमने देखा खेलों को लेकर जिस तरह की अच्छी चर्चा हमें देखने को मिली। हम जानते हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को एक चर्चा में बदला गया है और बजट सत्र, उसके बाद मानसून सत्र, और अब हम शीतकालीन सत्र में भी ये चर्चा आगे जारी रहती देख रहे हैं, काफी अच्छी चर्चा हो रही है। तो कल किस तरह का दिन रहा, पहले आप हमें बताइए इस बारे में। प्रीति, देखिए जिस तरह की तस्वीर जनता देखना चाहती है और ये एक अच्छी बात है कि जैसे ही सदन स्टार्ट हुआ है एक अच्छी चर्चा देखने को मिल रही है, लगातार एक अच्छा काम हो रहा है। दो दिन लगातार बहुत ही बेहतर काम हुआ है और तीसरा दिन भी कामकाज के लिहाज से खासा अहम माना जा सकता है, क्योंकि आज
फ्राइडे है और प्राइवेट मेंबर बिल है, 115 प्राइवेट मेंबर बिल लिस्टेड हैं लोकसभा की कार्यसूची में। इसके अलावा 377 के तहत डिस्कशन है और जो कल की चर्चा थी 193 के तहत पूरे देश में जिस तरह से खेलों को बढ़ावा देने के लिए समग्र योजनाएं क्या हैं और सरकार उस पर किस तरह से काम कर रही है, ये चर्चा कंटिन्यू रहेगी। आपको बता दूं ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था जिसमें पिछले सत्रों में आपने देखा होगा कि अनुभव मोहंती और गौरव गोगोई ने जब इसको कॉलिंग अटेंशन के रूप में लिया था तो दो सत्रों में लगातार चर्चा हुई जिसमें सभी माननीय सांसदों ने कुछ सुझाव दिया। और कल की अगर चर्चा की बात करूं तो कल खासे अहम सुझाव आए। एक अहम सुझाव आया कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और खासकर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जिस तरह से भारत में कई सारे खेल खेले जाते हैं लेकिन क्रिकेट बहुत बड़ा फोकस रहता है तो बाकी खेल कहीं ना कहीं उससे अछूते रह जाते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे बाकी खेलों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, उसके लिए सरकार की किस तरह की नीतियां हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जो सरकार की टीम है, जो खेलों से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, उनको गांव में जाना चाहिए, गांव-गांव जाना चाहिए और उसके बाद वहां से जो टैलेंट निकल के आए गेम्स के लिए वो एक अच्छी बात है। सीकर के जो सुमेधानंद सरस्वती जी सांसद हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो भारत सरकार पिछले कई सालों से खेलो इंडिया के माध्यम से जो देश भर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है वो एक अहम पहलू माना जा सकता है सरकार की तरफ से खेलों को संवर्धन के लिए और खेलों की को आगे लाने के लिए और नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए। इसके अलावा बीएसपी से भी कई सारे सुझाव आए जिस पर खेलों में चाहे कबड्डी हो, खो-खो हो, छोटे छोटे हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं। चर्चा के दौरान हमने देखा कि अलग अलग दल के जो सांसद हैं उनकी तरफ से बहुत ही मैं कहूँ अच्छे सुझाव आ रहे हैं और जाहिर तौर पर ये जो चर्चा है इसके बाद हम देख सकते हैं कि तमाम सुझावों को आगे बढ़ाने को लेकर इस दिशा में सरकार आगे कोशिश भी कर सकती है। आप मुझे बताइए आज के अगर एजेंडे को हम लोकसभा में देख रहे हैं तो कितना इम्पोर्टेंट आज का एजेंडा रहेगा? प्रीति आज का एजेंडा भी खासा इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है। आज क्वेश्चन आर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल लगे हैं जिसमें आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय से जुड़े हुए कई सवाल लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको नियम 377 के तहत जो चर्चा होनी है वो भी लिस्टेड है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि चार अहम बिल जो अनुसूचित जनजातियों से जुड़े हुए संशोधन विधेयक हैं जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा विधेयक है वो भी लिस्टेड है। इसके अलावा मैरिटाइम जो दस्युरस्ता रोधी विधेयक है उस पर आगे की चर्चा होनी है। इसके अलावा जो संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, चूंकि ये सत्र आज खत्म हो रहा है तो अगले सत्र में कौन कौन से एजेंडे में शामिल है उस पर अपना बयान देने वाले हैं। कई कमेटियों की रिपोर्ट टेबल होनी है और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि प्राइवेट मेंबर बिल शुक्रवार के तहत प्राइवेट मेंबर बिल, तो काफी खासा अहम एक प्राइवेट मेंबर, 115 प्राइवेट मेंबर बिल हैं जिसमें कई खासे अहम है जिसमें ये चिनैया सिटी, गोपाल चिनैया सिटी जो महाराष्ट्र सांसद हैं उनका एक लगा हुआ है कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियों का दर्जा देने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, सरकार किस तरह से काम करती है। इसके अलावा एक संस्कृत को अनिवार्य भाषा के तौर पर स्कूलों में शामिल करने के लिए भी एक बिल लगा हुआ है। चूंकि पिछले कई सत्रों में इन दोनों पे ग्राउंड लेवल पे जो स्कूली शिक्षा है उसमें हिंदी के साथ साथ संस्कृत को शामिल करने की वकालत कई माननीय सांसदों ने की है और एक एक ये बड़ा एक पहलू है कि संस्कृत को प्राथमिक पाठशालाओं में प्राथमिक लेवल पे ही बच्चों के साथ शिक्षण में शामिल किया जाए, ये एक बड़ा है। और ये जो राजनीतिक पार्टियों को जो राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा देने की बात है ये पिछले काफी साल से चली आ रही है और इसमें एक अहम प्राइवेट मेंबर बिल इस बार माना जा सकता है। तो आज के एजेंडे में खासे अहम बिंदु है जिस पर चर्चा होनी है और उम्मीद की जानी है जो आज सत्र प्रारंभ होगा तो एक पॉजिटिविटी के साथ होगा और कुछ उत्पादकता के साथ निर्णय लिए जाएंगे। प्रीति बिल्कुल अमरेंद्र, आपसे तमाम अपडेट हम आगे भी लेंगे और हम जानते हैं कि जो पहला हफ्ता है उसका आज आखिरी दिन है और जैसा आपने बताया कि गैर सरकारी सदस्यों के लिए यह दिन नियत होता है और इस लिहाज से भी यह दिन काफी अहम है। आगे हम जो राज्यसभा का एजेंडा है उस पर भी चर्चा करेंगे। मनोज जी, जो आज लोकसभा का एजेंडा हम देख रहे हैं और खासतौर से जो अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में संशोधन है और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा संशोधन है जो कि तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, ये कितना इम्पोर्टेंट रहेगा कामकाज के लिहाज से? देखिए, सरकार जब से पिछले 8 सालों से मोदी जी की सरकार चल रही है तो अलग अलग विभिन्न वर्गों की समस्या के ऊपर किस तरह से निजात पाई जाए और सरकार की योजनाओं का लाभ इनको किस तरह से मिले उसके लिए विविध आयामों का प्रयोग करके ये प्रयत्नशील है कि उनके जीवन को भी सुखकर बनाया जाए।
और ये आज का विधेयक भी इन चार राज्यों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों के जनजातियों के लिस्ट में बढ़ोतरी करने के लिए, उस लिस्ट को फिर एक बार एस्टैब्लिश करने के लिए आवश्यक बिल है कि जिसके कारण अलग अलग राज्यों में, जैसे एक राज्य में कोई अनुसूचित जनजाति में होता है लेकिन वो दूसरे राज्य में नहीं होता है, तो सभी का समावेश उन उन राज्यों के जातियों के लिस्ट को अपडेट करके उनको सरकारी योजना का लाभ कैसे मिले, उनको शिक्षा का लाभ कैसे मिले, उनको उनके जीवन में अलग अलग जो आरक्षण है उसका लाभ कैसे मिले और उनके जीवन का कैसे उत्थान हो, ये देखने के लिए काफ़ी आवश्यक बिल है। बिल्कुल विकास रंजन जी, हम जानते हैं कि जो संविधान का अनुच्छेद 46 है वो ये प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा, उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी तरह के शोषण से संरक्षित रखेगा और जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए उनका ख्याल रखा जाएगा। 1950 का ये जो आदेश है, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950, इसे लेकर लगातार मैं कहूँ इसमें सुधार करना, इसे अपग्रेड करना, और उसी से जुड़ा लोकसभा में आज हम एजेंडा भी देख रहे हैं जो दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा विधेयक इससे जुड़ा वो पेश हो रहा है, इसे आप कितना इम्पोर्टेंट मान रहे हैं? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ये द लिस्ट अपडेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा लक्ष्य है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, ये दोनों जो संविधान का लक्ष्य है, ये मेरा प्रजातंत्र का भी लक्ष्य होना चाहिए, वो हो रहा है। इसी आधार पर अगर आप अनुसूचित अनुसूचित जाति का लिस्ट है इनका अपग्रेड ना करें तो पिछले चला जाएगा। अपग्रेड से आपको पता चलेगा कौन कौन ऊपर आया है, कौन कौन पीछे है, इनको कैसे कोई सहायता देना पड़ेगा। इस सोच के साथ ये रिविजन बहुत जरूरी है, इसीलिए जो बिल पार आएगा वो मेरा ख्याल से इसमें कोई विरोध नहीं होगा, बिल्कुल सबको ये मान लेंगे। कुमार राकेश, इस तरह के जो विधेयक होते हैं ना वो आम लोगों के सामने चर्चा में नहीं आते, लेकिन ये कितने जरूरी हैं? ये बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए, उन समुदायों के लिए जिनका इस बिल में मेंशन होता है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जैसे मान लीजिए हिमाचल में कोई जनजातीय समुदाय है और जो नेबरिंग लद्दाख रीजन है वहाँ पर कोई जनजातीय समुदाय है, तो एक समुदाय लद्दाख में किसी एक नाम से जाना जाता है, हिमाचल में किसी और नाम से जाना जाता है, और लद्दाख का समुदाय एसटी लिस्ट में आ गया है, वो हिमाचल का समुदाय नहीं आया है, और चूंकि वो इकोनॉमिकली एजुकेशनली थोड़े बैकवर्ड रहे हैं तो शायद कई बार उनकी मांग भी जहाँ तक जानी चाहिए वहाँ नहीं जाती है। तो उसके बाद फिर एक स्टडी होती है और उनको फिर वो जो उनका जो एक दर्जा है जो उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था वो उनको मिलता है इस बिल के माध्यम से। इसलिए अक्सर हम देखते हैं कि हर सत्र में ऐसे कोई ना कोई बिल आते हैं जो अलग अलग रीजन के, जो अलग अलग एसटी कम्युनिटीज़ हैं जिनको जो एसटी के राइट्स मिलने चाहिए आज तक वो नहीं मिल पाए हैं, तो उनको उस लिस्ट में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम होता है सोशल जस्टिस के लिए, ऐसे लोग जो दशकों से पीछे रह गए हैं और जो उनको राइट्स मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है, तो इस बिल के माध्यम से उनका इंक्लूजन हो जाता है और उनको राइट्स मिलते हैं। तो जो एक सोशल जस्टिस का प्रावधान है उसके लिए काफ़ी अच्छा है और वो उनका हक भी है। हाँ, एक बिल जो और लिस्टेड है उस पर भी आप लोग का कमेंट, समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 जिस पर चर्चा जारी रहनी है मनोज जी, और इसमें कुछ कंसर्न्स हैं जो विपक्ष की ओर से सामने आ रहे हैं, और सख्त सजा के प्रावधान हम जानते हैं इसमें हैं, और जो भी कंसर्न सामने आए वो खास तौर से सजा को लेकर ज़्यादा है कि इतनी सख्त सजा का प्रावधान है, उसको आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, मृत्युदंड क्यों है, तो ये जो कंसर्न है, ये जो सुझाव हैं उन पर सरकार कितना ध्यान देगी? देखिए, ये जो बिल है वो देश की सुरक्षा के लिए और देश के जो मालवाहक जहाज है जो समुद्र में आने जाने का काम करते हैं, मर्चेंट शिप्स जिसको बोलते हैं, तो ये मर्चेंट शिप्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, देश के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी आवश्यक बिल है। और विपक्ष के जो मुद्दे हैं कि इसमें सजा का प्रावधान कम किया जाना चाहिए, ज़्यादा किया जाना चाहिए, हम ये मानते हैं कि ये समुद्री सुरक्षा हमारे देश की सागरी सीमा की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और आवाजाही में जैसे पिछले कई वर्षों के अंदर ये अनुभव रहा कि कई समुद्र के अंदर आज भी पायरेट्स अपना काम करते हैं और बंधक बनाने का काम करते हैं और हमारे जहाज़ों को रोकने का कभी कभी प्रयास भी होता है, अलग अलग देशों को भी इसकी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होने के कारण हमारे देश के कानून में इसका बदलाव करके हमारे देश की जहाज़ों की सुरक्षा करना ये हमारे लिए आवश्यक है। और निश्चित ही सरकार का ये कदम सराहनीय है कि जिसके कारण
मर्चेंट शिप्स के ऊपर आने वाले संकट को टाला जा सकता है और उसको एड्रेस किया जा सकता है। विकास रंजन जी, इसमें हम जानते हैं कि ये जो है वो आईपीसी और सीआरपीसी में इस समस्या से निपटने के लिए जो समुद्री क्षेत्र में एक तरह से पायरेसी है, जलदस्युता है, कोई भी प्रावधान नहीं था, और लेकिन अब उसकी कोशिश की जा रही है, इसे सख्त बनाया जा रहा है, आपकी राय क्या है इस बिल को लेकर? नहीं, इसमें कोई विरोध नहीं है। ये जो बिल आए है ये जरूरी है, इस पर चर्चा होना चाहिए। विरोधी पक्ष का जो सजेशन है, मैंने ये मेरा ख्याल में है कि सरकार ये ठीक ध्यान से लेंगे, सोचेंगे, उसके बाद सबसे चर्चा होने के बाद सहमत होकर ये बिल पारित करना चाहिए। ये जरूरी है देश के लिए, इसमें कोई विरोध नहीं है। ठीक है कुमार राकेश, क्योंकि संसदीय समिति में बिल भेजा गया, 18 में से 14 सिफारिशें भी मान ली गई, यानी माना जाए कि अच्छी खासी, मैं कहूँ मंथन के बाद, और उसके बाद हम एक अच्छी चर्चा भी देख रहे हैं, तो ये अच्छा संकेत है। जी हाँ, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये संसद में बोला भी कि ये बिल तो बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन उसके बाद जो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे उनको एक डेलिब्रेशन के लिए संसदीय कमेटी में इस बिल को भेजा गया था, और 18 में से 14 रिकमेंडेशन इन्होंने मान लिए हैं, और जो कुछ कंटेंसस, जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजन थे बिल के, उसको ड्रॉप भी कर दिया गया है। जैसे एक इनका था कि ट्रायल इन एब्सेंसिया, तो एक जो हमारे जो अभी तक के जो कानून थे उसमें पायरेसी से डील करने के लिए कोई लॉ था नहीं, तो अब जब पायरेसी को आप डील कर रहे हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, आपको एक्सट्रेडिशन करने के लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो एक जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अनुरूप भी आपका बिल या जो आप लॉ लाने वाले हो वो हो, ताकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन में आसानी हो। तो इन चीज़ों में उस बिल में काफ़ी अच्छे प्रावधान किए गए हैं, जैसे एक जो मैंडेटरी डेथ सेंटेंस था उस पर भी कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन था, तो मिनिस्टर ने हाउस में बोला है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको भी हम कंसीडर किया है इस लॉ में, इस बिल में। तो ये काफ़ी अच्छा प्रावधान है, और मुझे लगता है कि इस बिल पर भी पार्लियामेंट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा नहीं। बिल्कुल, यानी जल्दी हम इस बिल पर, बिल को पास होता देखेंगे लोकसभा से भी। एक जो खेलों पर चर्चा जारी है उस पर भी मैं राय जानना चाहूँगी। मरुज जी, जो खेलों को लेकर चर्चा जारी है अपने आप में काफ़ी अहम है, और जो सदस्य हैं उन्होंने ज़्यादा बात ये कही है, जो चर्चा में बात आई कि जो ग्रामीण इलाके हैं उन पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो चर्चा के दौरान खेलों को बढ़ावा देने को लेकर सुझाव आ रहे हैं वो कितने अहम मान रहे हैं? देखिए, पिछले कई वर्षों में सरकार का फोकस ये खेलों के ऊपर रहा है, और खेलों के अंदर हमारी प्रतिभाओं को बाहर लाकर, इन प्रतिभा को योग्य ट्रेनिंग देकर अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर पूरी तरह कॉम्पिटिटिव एरा के अंदर हम अच्छा प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर पिछले कई सत्र से आप देख रहे हैं कि इस 193 के तहत ये चर्चा है, और माननीय अध्यक्ष जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इस चर्चा को जारी रखा है, ताकि अपनी बात रखने के समय, हमारा देश विविधताओं से भरा देश है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिस तरह की प्रतिभाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अलग अलग खेलों पे, किसी ने सही कहा कि पहले हम क्रिकेट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहते थे, लेकिन आज आपने देखा होगा कि छोटे छोटे गांव और छोटे शहरों के भी खिलाड़ियों को खेलो इंडिया के तहत ट्रेनिंग मिलती है, और ऐसे क्षेत्र कि जिसमें आज़ादी के बाद भारत ने कभी मेडल नहीं पाए, वो एथलेटिक्स हुआ, वो बॉक्सिंग हुआ, हमारा परंपरागत रेसलिंग को अलग फॉर्मेट में अब रेसलिंग चलता है, लेकिन भारत अब उस मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय कक्षा पे खरा उतरा है। सरकार ने जो पिछले कई वर्षों से इसके अंदर मेहनत की है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया खेलो इंडिया, और इसके बाद में फिट इंडिया, खेलो इंडिया, इन सभी का प्रावधान होते हुए नीचे तक के तबके में प्रतिभाओं को ढूंढ कर उनको अच्छी ट्रेनिंग देकर अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर खड़ा करना, प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ये सूचना दी कि खेल महोत्सव और खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाए, जिसके कारण कंपटीशन तो बढ़ता है लेकिन अच्छी प्रतिभाएं बाहर लाने का हमें मौका भी मिलता है, और जिसका निश्चित देश को लाभ होता है। बिल्कुल, जो खेलों पर चर्चा है उस पर मैं आगे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले राज्यसभा के एजेंडे में आज क्या कुछ खास रहने वाला है इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। शुक्रवार का दिन है आज, और शुक्रवार की वजह से उच्च सदन की कार्यसूची में भी 40 से ज्यादा गैर सरकारी विधेयक शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन,
सोमवार 12 दिसंबर 2022 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान होने वाले सरकारी कार्य के बारे में बयान देंगे। राज्यसभा में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। मोहम्मद फातेह टीपू राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट लेकर संसद भवन परिसर से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, अब कल का दिन हमने देखा राज्यसभा में, हमने देखा कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, इसके अलावा जो तमाम कामकाज रहा, साथ ही चेयर की तरफ से जगदीप धनखड़ जो कि सभापति हैं उनकी तरफ से कई सुझाव भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा भी है कि तमाम सांसद G20 को लेकर अपने अपने सुझाव दें, साथ ही जो वरिष्ठ सांसद हैं उन्हें बोलने का मौका ज़्यादा दिया जाए। तमाम अहम बातें हैं जो सभापति की ओर से कही गई हैं। पहले आप थोड़ा सा जिस्ट हमें बताइए कल के दिन को लेकर राज्यसभा में। देखिए प्रीति, ये बहुत ऐतिहासिक एक तरीके से सत्र कहा जा सकता है जो शीतकालीन सत्र है संसद का, कि इसमें देश के उपराष्ट्रपति और जो संसद में के उच्च सदन के सभापति है जगदीप धनखड़, उन्होंने अपना चार्ज लिया। और दो दिन का अगर मैं राज्यसभा की खास तौर पर बात करूं तो बेहद उत्पादक जो है दो दिन रहा है। और जो बहुत खास चर्चा रही, खास तौर से जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो वरिष्ठ सांसद रहे हैं राज्यसभा के और उनका अपना एक अनुभव रहा है, और जो कई बार देश के संसद के उच्च सदन में चुन करके आते रहे हैं, निर्वाचित होकर के आते रहे हैं, तो उनके अनुभव को भी सुना जाए, उनके अनुभव को साझा किया जाए। और ख़ासतौर पर अच्छी खासी तादाद जो मध्य आयु वर्ग के जो सांसद हैं उनकी भी संख्या राज्यसभा में अलग अलग पार्टियों से, तो उनका मत है कि उनको भी जो सांसद हैं उनको सुने और उनका जो है मार्गदर्शन प्राप्त करें। तो कल की जो चर्चा प्रीति हुई उसमें जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था उसको एक तरीके से संसद से मंजूरी मिली। उसके अलावा जो है शाम तक इसकी चर्चा हुई। और फिलहाल आने वाला जो दिन है, आने वाला जो पूरा ये शीतकालीन सत्र है, उसमें ये उम्मीद की जा रही है प्रीति कि बेहद उत्पादक रहेगा, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से पिछले कई दिनों में जो संसद के सत्र रहे, वो मानसून सत्र की बात करें या उसके पहले हम बात करें, तो धीरे धीरे इसकी जो स्पीड है, क्योंकि देखिए जो संसद है ये देश का जो लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ पे कानून बनता है, और जनता जो अपने नुमाइंदों को देश की संसद में चुन करके भेजती है वो अपने सांसदों से ये उम्मीद करती है कि हमारे हित में, हमारे जो है हमारे हित में जो फैसले लिए जाएँ उसका जो असर है वो ज़मीन पर दिखे। लिहाजा बेहद उत्पादक तरीके से फिलहाल जो दो दिन की जो कामकाज रहा, जो कार्यप्रणाली रही, वो देखने को मिली प्रीति। बिल्कुल मोहम्मद फातेह टीपू, आप आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे और जो आज का एजेंडा है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। विकास रंजन जी, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी जो कल चेयर की तरफ से बातें कही गई हैं उन्हें आप कितना जरूरी मानते हैं। मोटे तौर पर वो बातें बताऊं, जो नियम 267 के तहत उन्होंने कहा कि जो नोटिस मिले हैं उन्हें अस्वीकार किया गया, क्योंकि इन नोटिस को लेकर लगातार जो चेयर है वो एक तरह से अपना कंसर्न जताते रहे हैं कि जो कार्य स्थगन नोटिस है वो हर बात पे नहीं दिया जाना चाहिए। पहले एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि जब हम सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि विपक्ष की तरफ से भी ये मांग होती है कि उनकी बातों को भी शामिल किया जाए, जो बात वो कहना चाहते हैं उसका मौका दिया जाए, लेकिन हर बात पे 267 नोटिस की बात हम रोज ही देखते हैं कि बड़ी संख्या में इस तरह के नोटिस चेयर के पास आते हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, ये नोटिस आना तो जरूरी है, ये संसद के लिए अच्छे भी है क्योंकि इससे चर्चा होती है, लेकिन चेयरमैन साहब ने जो बात किया वो भी अहम बात है। उन्होंने बताया कि नोटिस आप जरूर देंगे, नोटिस जब देंगे उसकी कानून के ढंग से देना चाहिए, ओमनीबस नोटिस ये होना नहीं चाहिए। उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे नोटिस देना चाहिए, और उन्होंने ये भी तय किया, ये भी आश्वस्त किया कि जो भी चर्चा करना चाहते हैं उसमें कोई रोक नहीं लगाएंगे, उन्होंने चर्चा करने का मौका भी दिया। ये है द स्पिरिट, जो बात करने चाहते, ये लोकसभा और राज्यसभा ये तो स्पेस है फॉर द अपोजिशन। अगर अपोजिशन MPs को बात करने का नहीं मौका मिले, चर्चा करने का नहीं मौका मिले, तब तो हादसा होगा। उन्होंने ये आश्वस्त किया, उन्होंने काम भी दिखाया कि जो भी कुछ बताना चाहते हैं उनको, उन्हें इतना मौका भी दिया, आप बताओ अपना बात क्या बताना है, लेकिन ये टाइम मेंटेन करो। इस जिस ढंग से चेयरमैन साहब ये
सभा परिचालन कर रहा है, ये अच्छा है। मेरा ख्याल से ऐसे चलेगा तो प्रोडक्टिव रिजल्ट भी मिलेगा राज्यसभा से। बिल्कुल। अब विकास रंजन जी, जो भारत की G20 अध्यक्षता है, इसके बारे में अपने सुझाव और इनपुट देने की बात कही गई है। आप सभी के इनपुट जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार शुरुआत से कह रही है कि G20 की अध्यक्षता मिलना कोई सरकार का इवेंट नहीं है, बल्कि जनता की पूरी भागीदारी और सभी सदस्यों की जो भागीदारी है वो अपने आप में काफी जरूरी है। ये ऐसे उन्होंने इंस्टेंस दिखाया कि चेयर से ये मांग किया, जो भी कुछ सुझाव दे सकते हैं G20 के लिए, G20 सबसे ये आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, इसका क्या मतलब है। हम इनको चेयरमैनशिप मिला है रोटेशन वाइज, तो हमको इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए ठीक ढंग से, इसीलिए उन्होंने सुझाव मांगे हैं। सब सदस्यों से सुबह सुझाव मांगे हैं, उस सुझाव देने के बाद उन्होंने ये तय किया कि उन्हें सरकार से बात करेंगे, उन सुझाव को काम में लाने के लिए उन्हें कोशिश करेंगे। दिस इज ए गुड अप्रोच बाय द चेयर, एंड दिस सॉर्ट ऑफ वाइड अप्रोच वुड रियली इनकल्केट ए न्यू कल्चर ऑफ डिस्कशन। मनोज कोटक जी, G20 की अध्यक्षता से जुड़े सुझाव, ये अपने आप में किस तरह से जरूरी और अहम, एक तरह से मैं कहूँ, कदम साबित हो सकता है देखिए, सांसदों के फोकस साथ? ऑफ शिफ्ट जो है वो कई सालों से हम देख रहे हैं कि भारत की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के ऊपर अपना प्रभाव बढ़ाती नज़र आ रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने अलग अलग जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं इन सभी के अंदर भारत की भूमिका को प्रखरता से रखा है, और अब समय आया है कि जब G20 की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी के पास आई है तो पूरे देश के पास आई है। और प्रधानमंत्री जी ने या कल राज्यसभा में अध्यक्ष जी ने इसी बात को दोहराया है कि सदस्यों ने इस G20 की अहमियत को आम आदमी तक ले जाना, क्योंकि आपने सबसे बड़ा मुद्दा देखा होगा कि भारत ने वन वर्ल्ड वन फैमिली वसुधैव कुटुंबम की बात को रखा है, और ये बात अपनी अध्यक्षता के अंदर पूरे विश्व के सभी प्रश्नों के ऊपर भारत अपनी बात जब रखेगा तो सभी के सामूहिक तरीके को, सभी को सामूहिक रीते पूरे विश्व को साथ में लेकर अपनी बात को आगे ले जाएगा। फिर ग्लोबल वार्मिंग हो, अलग अलग विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, सभी घटनाओं को पूरे विश्व को वन फैमिली वन वर्ल्ड के टैगलाइन के तहत वसुधैव कुटुंबम का सारांश समझाते हुए हमने विश्व को किस तरह से दिशा देनी है, हमने विश्व को किस तरह से लीड करना है। और माननीय अध्यक्ष जी ने सदस्यों से अपने सुझाव मांगे हैं कि G20 की अलग अलग विभिन्न शहरों के अंदर जब कॉन्फ्रेंसेस चलेंगे तो अपने सुझाव को रखे और देश के आम आदमी को, आम नागरिक को इसकी अहमियत का पता चले, ताकि एक उसमें गर्व की अनुभूति आए और दूसरे उसके मन में जो आत्मविश्वास आम आदमी के मन में बने कि हाँ ये हमारा भारत है जो विश्व को अब लीड कर सकता है, हाँ ये हमारा भारत है जो विश्व को दिशा देने का काम कर सकता है, निश्चित ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। कुमार राकेश, जैसे सभापति ने भी कहा कि दुनिया बहुत उम्मीदों की नज़रों से भारत की तरफ देख रही है, G20 की अध्यक्षता मिलना अपने आप में एक मैं कहूँ बड़ा कदम है, ऐसे में सांसदों के सुझाव कितने ज़रूरी रहेंगे? ये बहुत ज़रूरी रहेंगे, क्योंकि जो एक साल तक ये G20 के बहुत सारे इवेंट होंगे वो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में होंगे, और जो सांसद हैं लोगों का नेतृत्व करते हैं, संसद में उनकी बात रखते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके जो भी सुझाव होंगे वो जो G20 के जो बहुत सारे इवेंट सरकार को कराना है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और हमने ये देखा है कि जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने एक ऑल पार्टी मीटिंग भी G20 पर बुलाई थी, और उसमें भी यही कहा गया था कि ये कोई सरकार का इवेंट नहीं है, ये पूरे देश का इवेंट है, और संसद में भी जो सभापति हैं उन्होंने भी यही बात कही है। तो इससे जो एक जो कुछ जो क्लेम है अलग अलग पार्टीज़ का कि भाई जो रूलिंग पार्टी है वो G20 के इवेंट को थोड़ा पॉलिटिसाइज कर रही है, तो उस क्लेम को भी काउंटर करने का एक ये एक रहेगा, क्योंकि इसमें एक ऑल पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, MPs होंगे जो भी इस पार्टी के भी होंगे, तो एक ये मैसेज जाएगा कि जो सही में जो सरकार बोल रही है कि ये पूरे देश का इवेंट है, सबका रिप्रेजेंटेशन है, वो इस मैसेज में रिफ्लेक्टेड होगा। और मुझे लगता है कि एक जो इस सरकार की एक हमेशा एक कवायद एक कोशिश रही है कि कोई भी जबरा प्रोग्राम हो तो उसमें जन भागीदारी हो, तो आखिरकार जो जन भागीदारी होती है जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हीं के थ्रू होती है, तो मुझे लगता है कि जो उनका इनपुट आएगा तो उससे भी एक जो पब्लिक जो एक
जो एक इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है किसी भी बड़े प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो भी जब आप उसको पूरे देश में करवा रहे हैं, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इसका एक फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और प्राइवेट मेंबर से जुड़ा हुआ ये दिन होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। शुक्रवार होने की वजह से दोनों सदनों के एजेंडे में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज शामिल हैं। लोकसभा की कार्यसूची में 115 से ज़्यादा गैर सरकारी विधेयक या प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। एक नज़र लोकसभा में पेश किए जाने वाले कुछ गैर सरकारी विधेयकों पर डालते हैं। सांसद सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद अशोक महादेव राव नेते असैनिक पुरस्कार सिफारिश समिति विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद राकेश सिंह भारत का उच्चतम न्यायालय जबलपुर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना विधेयक 2020 पेश करेंगे। सांसद रवि किशन कलाकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद जसबीर सिंह गिल प्लास्टिक विनिर्माण विनियमन विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद रवनीत सिंह राष्ट्रीय महिला किसान कल्याण आयोग विधेयक 2021 पेश करेंगे। इसके अलावा सदन में और भी कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाएंगे। लोकसभा की कार्यसूची में कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी शामिल हैं, उन पर भी एक नजर डालते हैं। बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी की ओर से पेश लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2022 नई धारा 29 का अंतःस्थापन पर आगे की चर्चा होगी। उन्होंने 5 अगस्त 2022 को विधेयक पर विचार का प्रस्ताव किया था, वो इसे पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह आधिकारिक सरकारी बैठक और समारोह मांसाहारी भोजन परोसने का प्रतिषेध विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। आरएसपी सांसद एन के प्रेमचंद्रन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी संशोधन विधेयक 2019 धारा 3 का संशोधन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बीजेपी सांसद रमा देवी निजी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बीजेपी सांसद डॉक्टर किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि संशोधन विधेयक 2019 नई धारा 6 का अंतःस्थापन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा के एजेंडे में भी आज 40 से ज्यादा गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल शामिल है। एक नजर राज्यसभा में पेश किए जाने वाले कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयकों पर। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भारत में एक समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश करेंगे। सांसद हरनाथ सिंह यादव उपासना स्थल विशेष उपबंध निरसन विधेयक 2022 पेश करेंगे, साथ ही वो वफ निरसन विधेयक 2022 भी पेश करेंगे। सांसद इरड कराड़ी लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे, साथ ही वो दो और प्राइवेट मेंबर विधेयक पेश करेंगे। सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा संसद उत्पादकता संवर्धन विधेयक 2022 पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर वी शिवादासन संविधान के अनुच्छेद 124 और 220 का संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। सीपीएम सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य संविधान के अनुच्छेद 124, 127, 128, 222 इत्यादि का संशोधन और अनुच्छेद 124 का और 124 गा का प्रतिस्थापन करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। साथ ही वो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक 2022 भी पेश करेंगे। इसके अलावा सदन में कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की कार्यसूची में कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी शामिल है। एक नजर कुछ अहम विधेयकों पर। आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा की ओर से पेश स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2021 पर उच्च सदन में आगे की चर्चा होगी, वो इसे पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। सीपीएम सांसद डॉक्टर वी शिवादासन संविधान के अनुच्छेद 153 का संशोधन और अनुच्छेद 155 और 156 का प्रतिस्थापन करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक 2022 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। डीएमके सांसद पी विल्सन संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे।
कांग्रेस सांसद केटीएस तुलसी कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुंबों के अधिकार विभेद के प्रति संरक्षण और सामाजिक कल्याण की गारंटी विधेयक 2021 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। एनसीपी सांसद वंदना चव्हाण शिक्षा संबंधी विशेष निशक्तता से ग्रस्त बालक पहचान और शिक्षा में सहायता विधेयक 2018 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विकास रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपके दो प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो आज लिस्टेड हैं राज्यसभा की कार्यसूची में, थोड़ा इन बिल्स के बारे में बताइए। देखिए, जजेस अपॉइंटमेंट लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं। संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन सरकार ने अपना जो क्षमता उन्होंने मिसयूज किया, उसीलिए में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी में खतरा आ गए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में वो तय किया कि कॉलेजियम सिस्टम बनाए हैं, इसके खिलाफ भी आवाज उठ रहे हैं। हम लोगों ने तय किया कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाओ, जो एनजीएसी हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट को उनको नेगेट कर दिया कुछ कुछ एरिया में संशोधन करने के लिए। हमने ये लाया है ये संशोधनी बिल कि एनजीएसए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन उनको फिर से बनाए, इसी ढंग से बनाए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी और इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट, इसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप ना हो। ये है मेरा सुझाव बिल में। मनोज जी, क्योंकि प्राइवेट मेंबर से जुड़ा हुआ शुक्रवार का दिन होता है और आज हम देख रहे हैं कि दोनों ही सदनों की अगर बात की जाए तो 150 से ज्यादा ऐसे गैर सरकारी विधेयक हैं जो आज लिस्टेड हैं। थोड़ा सा बताइए कि जब प्राइवेट मेंबर बिल्स की बात होती है या उनसे जुड़े कामकाज की बात होती है तो शुक्रवार का दिन कितना अहम? नहीं, जैसे कि सदस्य अपनी बात रखने के लिए उच्चतम सदन के अंदर, जो हमारी डेमोक्रेसी का प्रतीक है कि संसद का सदन के अंदर अपनी बात को किस तरह से रखा जाए, तो एक आयुध है इसमें प्राइवेट मेंबर बिल। सरकार के सामने इसके ऊपर कानून बनना चाहिए और इसके प्रावधान के ऊपर साधक बाधक चर्चा भी होनी चाहिए, किस तरह का कानून बने, समाज के किस तबके को इसका लाभ मिलेगा। सदस्य इस प्राइवेट मेंबर बिल के द्वारा सदन के सत्र में ये अपनी बात रखता है और सदन के पटल पे आई हुई बात के ऊपर वो चाहता है कि साधक बाधक चर्चा हो, और इस चर्चा के अंदर बहुत सारे आयाम ऐसे खुलकर आते हैं जब अन्य सदस्य अपनी बात को इसके साथ में जोड़ते हैं, तो निश्चित इसके ऊपर कामकाज के अंदर ये काफ़ी अहम होता है कि चर्चा के द्वारा एक ऐसा आयाम है कि जिसके ऊपर विशेष चर्चा करके देश के सामने इन मुद्दों को उजागर किया जाए। और सरकार को संजीदगी से इन प्राइवेट मेंबर बिल को जब सरकार लेती है तो इस पे फिर परमानेंट कानून बनाने की बात करती है, और जिस कानून के कारण जो सदस्य ये प्राइवेट मेंबर बिल लाता है उसका लाने के पीछे की मंशा ये होती है कि मैं मेरी बात को संसद के सदन में रखूं और सरकार इस पे संजीदगी से विचार करके कानून बनाए जिसका लाभ जिन वर्गों के लिए ये प्राइवेट मेंबर बिल या जिस बात के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाते वो परिपूर्ण हो। बिल्कुल। और कुमार राकेश, हमने देखा भी है ट्रांसजेंडर से जुड़ा जो प्राइवेट मेंबर बिल था, हमने आगे जाके कानून बनते देखा, तो ये जो शुक्रवार का दिन है ये कार्यसूची और एजेंडे और मैं कहूँ संसदीय परंपरा के लिहाज से कितना जरूरी है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि हमारे यहाँ जो भी संसद में जो भी बिल आते हैं तो उसमें जो पास होता है वो वही बिल पास होता है जो सरकार द्वारा प्रायोजित होता है, और जो MPs भी होते हैं आमतौर पर बिल के मामले में जो व्हिप है उससे बंधे रहते हैं कि हमारे संसद की एक ये एक हाईलाइट है कि जो MPs हैं वो मतलब जब वोटिंग की बात आती है तो वो उनको क्या फीलिंग होता है वो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो पार्टी का जो व्हिप है उससे आधार पर उनको वोट देना पड़ता है। तो ये जितने भी प्राइवेट मेंबर बिल आते हैं तो उसका एक ये फ़ायदा है कि अगर कोई इशू है, कोई टॉपिकल इशू है जिसमें किसी भी MP को लगता है कि इस पर एक बिल बनना चाहिए, इस पर वो एक पब्लिक डिबेट करना चाहता है, तो एक प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से वो अपनी बात संसद में रख सकते हैं, एक वाइडर पब्लिक डिबेट हो सकता है। जैसे हमने देखा है कि आज जो वो जो गोरखपुर के हमारे सांसद हैं जो उन्होंने बिल लाया है प्राइवेट मेंबर बिल,
एक आर्ट एंड आर्टिस्ट के लिए लाए, उनके वेलफेयर के लिए लाए। शायद सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं होगी, लेकिन जब इस पर कोई डिबेट होता है तो सरकार भी एक सुनती है और उनको ऐसा लगता है कि अगर इस पर कोई वाइडर एक बेनिफिट देना चाहिए तो फिर सरकार भी, जैसा आपने बोला कि ट्रांसजेंडर बिल में जैसा हुआ था कि अगर कोई एक ऐसा बिल होता है जिसमें पब्लिक ओपिनियन उस बिल के फेवर में बनता है या सरकार को लगता है कि इस बिल का फायदा होगा किसी कम्युनिटी को, तो उससे आप अपनी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं। देख, प्राइवेट मेंबर बिल का एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट है कि एक तो नॉन पार्टीजन डिबेट होता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे बिल पास नहीं होते। इन बिल का एक ही फायदा होता है कि एक वाइडर डिबेट होता है, इसमें सारे एमपीज अपनी अपनी बात कहते हैं। तो एक पब्लिक ओपिनियन बनाने में, एक संसद को अपनी बात कहने में इस प्राइवेट मेंबर बिल का काफ़ी योगदान होता है। बिल्कुल। और क्योंकि मनोज जी और विकास जी को संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए भी जाना है, मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ संसद में आज में और चर्चा में जुड़ने के लिए। विकास रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ संसद में आज में जुड़ने के लिए। साथी कुमार, राकेश, तमाम इनपुट्स जो आपने दिए, जो चर्चा की, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया संसद में आज में जुड़ने के लिए। तो अब आइए प्रश्नकाल की बात करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान क्या रहेगा खास। आयुष, रसायन और उर्वरक, विदेश, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग, महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित प्रश्न आज लोकसभा में पूछे जाएंगे। सांसद गणेश सिंह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद मोहन भाई कुंडारिया, विदेश मंत्रालय से पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लगाए जाने वाले पासपोर्ट मेले से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद एडवोकेट AMRF पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से तटीय पर्यटन परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद गिरीश भालचंद्र बापत पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से देश में स्थापित पहले हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद कल्याण बैनर्जी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कैंसर के मामलों में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुके भारत में इसके उपचार से संबंधित कार्यों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर लोरो एस फोज पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से अंतरदेशीय जलमार्गों के विकास से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद संगीता कुमारी सिंह देव, महिला और बाल विकास मंत्रालय से पोषण अभियान की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुरेश कोडिकुन्नील, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सैनिटरी नैपकिन में हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद रविंदर कुशवाहा, आयुष मंत्रालय से योग चिकित्सा के लिए शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहे छात्रों की संख्या से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद राजीव रंजन सिंह ललन, महिला और बाल विकास मंत्रालय से ICDS के अंतर्गत बिहार को धनराशि आवंटित किए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद भावना गवली पाटिल, आयुष मंत्रालय से देश में आयुष केंद्रों की संख्या से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद भोलानाथ बीपी सरोज, आयुष मंत्रालय से नई आयुर्वेदिक दवाओं पर अनुसंधान से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद पी वेलुसामी, महिला और बाल विकास मंत्रालय से तमिलनाडु में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद संगीता आजाद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से समय सीमा समाप्त कर चुके या अप्रमाणित प्रोटीन पाउडर की बिक्री से जुड़ा सवाल पूछेंगी। सांसद गोमती साय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से छत्तीसगढ़ में उर्वरक वितरण से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद कुलदीप राय शर्मा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद विनायक भावराव राउत, आयुष मंत्रालय से राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर वीरा स्वामी कलानिधि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से एम्स मदुरई की स्थापना अब तक नहीं होने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुमेधानंद सरस्वती, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से किसानों से की ओर से उठाई जा रही उर्वरकों की मांग से जुड़ा सवाल करेंगे।
सांसद किंजरापुरा मोहन नायडू महिला और बाल विकास मंत्रालय से राष्ट्रीय क्रेच योजना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। अमरेंद्र गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं संसद भवन परिसर से। अमरेंद्र, हम प्रश्नकाल में जिस तरह की सूची आज देख रहे हैं, बहुत अहम प्रश्न है जो अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि कल सभापति जगदीप धनखड़ ने भी प्रश्नकाल के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रश्नकाल सरकार की जवाबदेही को लागू करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है, ऐसे में प्रश्नकाल का चलना एक बहुत अच्छा संकेत दोनों ही सदनों में। प्रीति, प्रश्नकाल वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है संसदीय परंपरा में, और अगर जिस तरह से माननीय सांसद लोक प्रतिनिधित्व में चुनकर आते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहाँ की मूल समस्या और वहाँ पे दी जाने वाली सुविधाओं को जब वो संसद में उठाएंगे तो वो एक माध्यम होता है प्रश्नकाल, जिसमें माननीय मंत्री लगातार उन प्रश्नों को हल करने के लिए जवाब देते हैं और सरकार किस तरह से काम कर रही है उस पर चर्चा करते हैं। बहुत अहम सवाल आज जुड़े हुए हैं जिसमें बाल विकास, महिला बाल विकास मंत्रालय है, जिसमें अंडमान के सांसद जो है आयुष मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा आपका केमिकल एंड फर्टिलाइजर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से सवाल पूछने वाले हैं। तो एक अहम पहर होता है जिस पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और राज्यसभा के सभापति का भी एक साफ तौर पर मानना है कि संसदीय परंपरा में प्रश्नकाल का चलना बहुत जरूरी है, और क्योंकि जनता से जुड़े हुए सवाल हैं। इसके अलावा प्रीति, मैं एक चीज़ बहुत जरूर कहना चाहूँगा कम शब्दों में, कि आज चूंकि प्राइवेट मेंबर बिल है तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो जैसे गोपाल चिनैया सेट्टी का जो उन्होंने राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए सख्त हिदायतों की बात की है, उसमें एक अच्छी चीज़ यह पता है कि 54% मतलब राज्यों में जो 54 लोकसभा की सीट जीती हो और लगभग 16% वोट परसेंटेज हो, तो इसमें एक ये अहम पहलू होगा। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश और झारखंड से जुड़े हुए एससी का दर्जा देने के लिए दो बिल पास हुए, तो इस बार जो है चार जो अहम बिल हैं वो भी बहुत एक अहम हैं। तो आज का दिन खासा अहम है, कई सारी चर्चाएं हैं, कई प्रतिवेदन है और क्वेश्चन आर में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राज्यसभा में प्रश्नकाल में क्या खास रहेगा, आइए एक नजर इस पर डालते हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, रेल और वस्त्र मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद दिग्विजय सिंह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से भारत चीन व्यापार संबंध के बारे में प्रश्न पूछेंगे। सांसद अबीर रंजन बिस्वास उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से दूध के दामों में बढ़ोतरी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद शांता क्षत्री वस्त्र मंत्रालय से दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद जोस के मणि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के आवंटन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद अजीत कुमार भुयान रेल मंत्रालय से लुमडिंग सिलचर आमान परिवर्तन लाइन की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुशील कुमार गुप्ता कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से चावल की कीमत में वृद्धि से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद पी विल्सन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से फसल बीमा योजनाओं में नामांकन की समय सीमा के विस्तार से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद ममता मोहनता कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से कृषि क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहन दिए जाने से जुड़ा सवाल करेंगी। सांसद प्रमोद तिवारी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से बाल अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद नारायण दास गुप्ता रेल मंत्रालय से मानव रहित रेलवे संपार यानी अनमैन्ड रेल क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद नीरज डांगी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत योजनाओं से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जीईएम पर नए आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद राघव चड्ढा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से किसानों की आय दुगनी करने से जुड़ा सवाल करेंगे।
सांसद अब्दुल वहाब रेल मंत्रालय से किराए में बढ़ोतरी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अमर पटनायक इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सरकारी वेबसाइटों की डिजिटल पहुंच से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। मोहम्मद फातह टीपू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज्यसभा का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद फातह टीपू, जैसा मैंने अभी कहा भी कि कल ही चेयर ने इस बारे में बात की है और सदस्यों से कहा है कि जो प्रश्नकाल है वो सरकार की जो जवाबदेही है उसे तय करने के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रश्नकाल सुचारू रूप से चले। और आज भी हम राज्यसभा के एजेंडे में जो तमाम प्रश्न देख रहे हैं वो अलग अलग मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल कितना अहम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा कि जो जनहित से जुड़े मसले मसाइल हैं, मुद्दे हैं, वो प्रश्नकाल में आते हैं। जो जनता से सीधे ताल्लुक़ रखते हैं, वो देश के जो नुमाइंदे हैं, संसद में नुमाइंदगी करते हैं, वो उसको उठाते हैं। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और प्रश्नकाल के भी लिहाज से, और बेहतर चर्चा होने की संभावना है। उसके अलावा प्रीति, आप जानती हैं कि शुक्रवार का दिन है आज, जिसमें 40 से ज़्यादा गैर सरकारी विधेयक भी राज्यसभा की कार्यसूची में लिस्टेड है। उसके अलावा राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुदान मांगों पे जो अनुपूरक मांगे हैं उससे जुड़ा विवरण भी सभा पटल पर रखेंगी। वहीं संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन अगले सप्ताह का जो विधायी कामकाज है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। इसके अलावा जो गैर सरकारी विधेयक की शुरुआत माननीय सांसद किरोड़ी लाल मीणा करेंगे, जिसमें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उससे जुड़ा विधेयक भी वो जो है गैर सरकारी विधेयक के तहत रख सकते हैं, चर्चा के लिए लाया जा सकता है। वहीं पर जो इसके पहले कोविड के से ताल्लुक रखते हुए स्वास्थ्य से जुड़ा अधिकार विधेयक आरजेडी सांसद मनोज झा जिसने चर्चा की थी, जो काफ़ी अहम और संवेदनशील मुद्दा रहा है, आम जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा है, उस पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो इस वहीं जो परमाणु संरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम विधेयक रहा उस पर चर्चा कल हुई थी, अब अगले सप्ताह भी जारी रहने की संभावना है। तो प्रीति, फिलहाल आज का जो फिलहाल इस सप्ताह का जो 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 शेष आज का दिन बचा है उसमें बेहतर उत्पादकता होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फातह टीपू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। जाते जाते आपको बता दें कि आज के दिन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बार नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में बैठक हुई थी, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।